माँ, आपके बारे में बताना कभी भी ज्यादा नहीं। हाँ, पाला पोसा है आपने मुझे, फिर भी कोई वादा नहीं। मैं बहुत सोचा कि कोई तो लालच होगा इस रिश्ते में भी। हाँ, पता लगा, पर वो कभी भी मेरी खुशी से ज्यादा नहीं। जब बचपन में बाहर जाता था तब डरती थी कब आएगा, कब खाएगा, किसी से लड़ाई तो नहीं कर देगा, कोई मारेगा तो नहीं इसे। आज 18 साल बाद शायद यही पहली फिक्र होगी आपकी कि क्या जैसे गया था क्या वैसे वापस आएगा। माँ, मैंने आपको खो दिया, इस दुनिया के कुछ चोचलों में अपने आत्मा को पिरो दिया, कुछ तितलियों के गंदे जाल में खो गया। जी के देखा पर भूल बैठा कि जीना क्या होता है, जब हंसना था तब रो दिया, जब रोना था तब हंस दिया। उतार चढ़ाव सब कुछ आपके सामने है माँ, हर गुनाह माफ, कुछ ऐसे आपके मायने हैं। आखिर क्यों ना मैं बनूं नास्तिक जब तुम मुझ में बसती हो। जान बुझ कर निकालता हूँ ऐसी आवाजें क्योंकि तुम मेरी इन्हीं आवाजों से हंसती हो। मेरी पहली दोस्त, टीचर और स्टूडेंट रह चुकी हो, जब भी फोन में कुछ समझ नहीं आता तो तुम मुझे सबसे पहले कॉल करके पूछती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर आप क्या सोचती हो, क्या अभी भी मुझे परेशान देखकर अकेले में रोती हो। क्योंकि बड़े होकर हम सब तो शक्तिमान बन जाते हैं, भूल जाते हैं तनाव बांटने से कम होता है और चुप होकर हम बैठ जाते हैं। आपकी आंखें अब मुझसे हटती नहीं है क्योंकि मैंने चुरानी जो सीख ली है, पर आजकल आप मुझ पर भड़कती नहीं हो क्योंकि मैंने तेज आवाज निकालनी जो सीख ली है, जिस आवाज ने सबसे पहले माँ शब्द को बोला था। आज उसी शब्द में आक्रोश और गुस्सा है। कभी कभी लगता है इतना नालायक हो सकता है क्या और कोई बेटा मुस्सा, पर हर बार घर में घुसते ही तुम मुझे महसूस कराती हो कि बेटा तू चाहे जितना भी चुप रहता हो छिपा नहीं पाता, भले ही चुप सा है। खाना देती हो जैसे तुम्हें मेरी भूख महसूस होती है, और जहां दो रोटी और मांग लूं माँ उस दिन तू चैन की नींद सोती है। तू कुछ ऐसी है माँ कि अब तू कोई विषय नहीं है, मैं बोलता चला जाऊंगा पर ये समय कभी बीतेगा नहीं। ये किसी और के लिए नहीं माँ, ये बस तेरे लिए था। एक लेखक घर में जन्मा है, थोड़ा चुप तो होगा। ये मत सोचना कि मैं बोलता नहीं तो घबराता हूँ या कोई फिक्र नहीं, मेरी खामोशी को समझना सीख माँ, जिसका बातों में होता जिक्र नहीं। तू ये भी है तू वो भी है, पर तू माँ मैं नहीं तू जो भी है। बस इतना मान कि अब कभी जीते जी अब तू खोएगी नहीं, उसके उपरांत शायद ये भी नामुमकिन है क्योंकि तू मेरी खामोशी है। क्या तुझसा भी कोई शांत रह सकता है, तेरी तकलीफों को समझता हूँ मैं माँ, इसलिए सफर पर निकला हूँ और तू मेरी कामयाबी है। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।